कश्मीर घाटी में आर्टिकल 370 के हटने के बाद हिंदुस्तानी तिरंगा ना उठाने की बात कहने वाली महबूबा मुफ्ती आज अपने ही घर में बेगानी हो गई। महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सियासी किला दरकने लगा है और अब हालत यह है कि किसी संभावित चुनाव की स्थिति में महबूबा को तमाम सीटों पर प्रत्याशी तक नहीं मिल पा रहे। एक जमाने में महबूबा मुफ्ती ने जिन 28 विधायकों के सहारे सीएम पद का रास्ता तय किया था, अब उनमें से 18 विधायकों ने ही उनकी पार्टी छोड़ दी। इन नेताओं में कई ने या तो अपनी पार्टी बना ली है या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अनेक दलों का हिस्सा हो गए, लेकिन इन सबके बीच महबूबा मुफ्ती कहाँ है इसका पता किसी को नहीं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के जमाने से कश्मीर में जिन नेताओं ने पीडीपी का झंडा बुलंद किया था, अब उनमें से आधे से अधिक महबूबा मुफ्ती के साथ नहीं रहे। महबूबा मुफ्ती की पार्टी से नेताओं का ये मोहभंग उस वक्त हुआ जब कश्मीर में राज्यपाल शासन के कालखंड की शुरुआत हुई। उस वक्त तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अगुवाई में केंद्र ने राज्य की सत्ता की चाबी अपने हाथ में ली, तो महबूबा का दरकता किला देखकर उनके तमाम सारथी उनका साथ छोड़ गए। साथ छोड़ने वाले नेताओं में हसीब द्राबू भी थे, अल्ताफ बुखारी भी, नईम अख्तर भी और चौधरी जुल्फिकार अली भी। ये सब वो लोग थे जिन्होंने कभी पीडीपी का संगठन बढ़ाया था, उसकी नींव रखी थी। इनमें सबसे बड़ा नाम अल्ताफ बुखारी का है जिन्होंने पीडीपी का दामन छोड़ने के बाद अपनी पार्टी नाम का एक दल बना लिया। अल्ताफ बुखारी उन लोगों में थे जिन्हें एक जमाने में महबूबा मुफ्ती और उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद का सारथी कहा जाता था। अल्ताफ बुखारी ने तमाम मौकों पर महबूबा मुफ्ती का संकट तो दूर किया, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और महबूबा मुफ्ती को डीडीसी के इलेक्शन में चुनौती भी दी। अल्ताफ बुखारी के अलावा जम्मू कश्मीर के करनाह के विधायक राजा मंजूर, बटमालू के नूर मोहम्मद शेख, राफियाबाद से यावर अहमद पीर, बारामूला से जावेद हुसैन, सोनावर से अशरफ मीर, नूराबाद से अब्दुल मजीद, कोकरनाग से अब्दुल रहीम राथर, दरहाल से चौधरी जुल्फिकार अली, राजौरी से चौधरी कमर हुसैन और ऐसे कई नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। पार्टी को बीच मझधार में छोड़ते कई नेताओं को देखते हुए महबूबा ने कई नेताओं को बाहर भी निकाला और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप भी लगाया। महबूबा ने जिन नेताओं को निकाला उनमें से कई पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए तो कई फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस में। इन सभी के बीच जब महबूबा ने अपना सियासी किला दरकते हुए देखा तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और गुपकार अलायंस का हिस्सा हो गए। लेकिन राजनीति के बदलते परिदृश्य और जम्मू कश्मीर की बदलती सियासत के बीच महबूबा मुफ्ती इस बार भी हार के ही सामने खड़ी दिखी। महबूबा मुफ्ती को डीडीसी के चुनाव में खास सफलता नहीं मिली और उन्हें कश्मीर की आवाम ने नकार दिया। अब आलम यह है कि कभी तिरंगा ना उठाने की धमकी देने वाली महबूबा मुफ्ती के पास अपना ही झंडा उठाने वाला कोई भी नहीं।